रात मेट्रोपोलिस मिल में भयानक आग लग गई, जिससे मिल जलकर पूरी तरह खाक हो गई। उसने साथ की बच्ची और हमारे संवाददाता वहां आ पहुंचे और म्यूनिसिपल कमिश्नर सत्य प्रकाश से उन्होंने बात की, जिन्होंने कहा कि वो नहीं मानते कि ये कोई हादसा है। पेश है एक रिपोर्ट। यकीनन आग जानबूझकर लगाई गई है। ये किस बिना पर आप कह सकते हैं सर? 8 साल से मिल में घाटा दिखाया जा रहा है, 6 साल से मजदूरों को पूरी तनख्वाह नहीं मिली, ना कोई बोनस दिया गया, 4 महीने से मिल बंद है और 64 दिनों से मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं। तब तो कोई आग नहीं लगी, मगर जिस दिन लेबर कोर्ट का नोटिस मिला कि सरकार अब इस मिल पर कब्जा कर रही है, फौरन आग लग गई। पर ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है सर। लेकिन बार बार बुलाए जाने पर फायर ब्रिगेड 3.5 घंटे तक मौका वारदात पर नहीं पहुंची, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा, इसकी पूरी जांच करवाऊंगा और जो भी आदमी इस जान माल के नुकसान का जिम्मेदार है उसे कोर्ट में घसीट कर सख्त से सख्त सजा दिलवा। ये तो साला नक्शा ही उलट गया। गई भैंस पानी में और साथ में हमें भी ले गई। साला ये सत्य प्रकाश बड़ा ही कड़क आदमी है, जो कहेगा वो करके दिखाएगा। तुम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। तेल देखो और तेल की धार देखो। मैं कमिंग सर। यस कमिंग। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं मिस्टर सत्य प्रकाश। आप कितने ईमानदार और उसूलों के पक्के इंसान हैं, ये तो सारा शहर जानता है। जबकि आपको तो सारा हिंदुस्तान जानता है मिस्टर रवि वर्मा। मतलब की बात कीजिए। ये आपकी सफाई भी बहुत मशहूर है। चलिए मतलब की बात करते हैं। मैं मेट्रोपोलिस मिल के मालिक की तरफ से आया, जिस मिल को आपने सील कर दिया। मिल तो जला दी गई है और मैंने जमीन पर कब्जा ले लिया है। उस जमीन पर मेरे क्लाइंट होटल बनाना चाहते हैं, जिसकी परमिशन मैं आपसे लेने आया हूं। होटल की इमारत तो दूर की बात मिस्टर रवि वर्मा, मगर उस जमीन पर मैं आपको एक ईंट तक रखने नहीं दूंगा। तुम्हारे क्लाइंट ने सिर्फ मिल को आग नहीं लगाई, बल्कि गरीबों की झोपड़ियों को फूंक दिया है। कितनी कीमती जाने गई है उसमें पता है? जी हाँ, सुनकर बहुत दुख हुआ। लेकिन मेरे क्लाइंट हर मरने वाले की फैमिली को 50,000 रुपए देने के लिए तैयार है। 50,000? ओ वाह, कितना दुर्भाग्य है मेरे देश का कि यहां 50 रुपये देकर कोई वोट खरीद लेता है, 5,000 देकर दंगे करवा सकता है, 25,000 देकर किसी का खून करवा सकता है और अब 50,000 देकर गरीबों का मुंह बंद करवाना चाहता है। लेकिन याद रखो, मैं ये होने नहीं दूंगा। ये मुंह अदालत में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि उनके घरों को फूंक देने वाले, उनके अपनों की हत्या करने वाले आपकी मिल के मालिक है। आपकी बात बहुत लंबी खींच रहे हैं मिस्टर सत्य प्रकाश, अपनी कीमत बोलिए। ठीक सुनाया आपने, अपनी कीमत बोलिए। अभी आपने कहा कि मैं बहुत ईमानदार हूं और अभी आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। ये ईमानदारी भी बड़ी अजीब चीज होती है मिस्टर सत्य प्रकाश। एक आदमी 10,000 को ठोकर मारकर अपनी ईमानदारी बचा लेता है, लेकिन अगर वो 10,000 10 लाख में बन जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है, और अगर करोड़ मिलता है तो कहता है चलो फिलहाल ले ही लेते हैं, मंदिर में 501 रुपये का प्रसाद चढ़ाकर माफी मांग लेंगे और आइंदा से ईमानदार रहेंगे। तो आप बताइए, आप कितने का प्रसाद चढ़ाना चाहेंगे? यस सर। क्योंकि आप एक वकील हैं, मैं आपको रिश्वत देने के जुर्म में जेल नहीं भिजवा सकता। इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देना। गेट आउट। मिस्टर सत्य प्रकाश, चूंकि मैं एक वकील हूं, राय देने की फीस लेता हूं, मगर आपको मैं एक राय मुफ्त में देकर जा रहा हूं। दरिया के बहाव के खिलाफ तैरने की हिमाकत मत कीजिए, थक जाओगे, डूब जाओगे, बह जाओगे। हैव अ नाइस डे सर।
कृष्णा का 13 अप्रैल ठीक रहेगी? जैसा आप ठीक समझे भाई साहब, तब तक तो हमारा करण भी आ जाएगा छुट्टियों पर। अच्छा कृष्णा, ये शगुन संभाल लो, आज से हमारी बेटी तुम्हारी हो गई और तुम्हारा बेटा हमारा। अरे विनय कैसे नहीं आया अब तक? ये लो विनय भी आ गया। आओ बेटा विनय आओ। मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ सर। विनय, बड़ों से इस तरह मजाक नहीं करते बेटे। काश ये मजाक होता माँ, लेकिन इन पर किसी पुरुषोत्तम जालान से रिश्वत लेने का इल्जाम है और बदकिस्मती से इन्हें गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है। जबकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बाबूजी जैसे ईमानदार इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। चलिए सर, मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। चलिए, ऐसा 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 जुल्म मत करना बेटे। ये तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारे पिता समान है। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, फिर भी तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। देखिए आप मेरा काम और मुश्किल मत कीजिए माँ जी। चलिए सर प्लीज। अरे अरे ये कैसा फर्ज है तुम्हारा जो सही और गलत में फर्क नहीं देख सकता? मत मत कर ये पाप बेटा, मत कर ये पाप। अगर इन पे बदनामी का दाग लगेगा तो ये 2 पल भी नहीं जी पाएंगे। बस करो सुशीला, मुझसे ईमानदारी की कीमत मांगी जा रही है तो मुझे चुकाने दो, लेकिन तुम अपने आंसू मत चुकाना। हो सकता है बाद में तुम्हें इनकी जरूरत पड़े। चलिए इंस्पेक्टर विनय। बस करो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या मैं इनसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? ऑल राइट। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है सर, आप मिल में लगी हुई आग की जांच रोक दीजिए, मैं आप पे लगे सारे इल्जाम हटा दूंगा। बड़ी हिम्मत है तुझ में लड़के। मैंने सुना था झूठ के पांव नहीं होते, उसे सच के सहारे चलना होता है। ये सब किताबी बातें हैं सर, और जिंदगी कोई किताब नहीं। मेरी राय मानिए, मैं आपके बेटे जैसा हूं। मेरे बेटे जैसा है तू? अरे डूब मरता मैं अगर मेरा बेटा तुम्हारे जैसे होता। तुम्हारा ना कोई धर्म ना कोई ईमान, पैसों की खातिर खुद की आत्मा तक को बेच चुके हो तुम। नहीं नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे जैसा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा ऐसा। अरे वो तो ईमान की खातिर खुद को कुर्बान कर सकता है, फर्ज की खातिर अपनी जान दे सकता है, देश के दुश्मनों के लिए आतंक है मेरा बेटा, आतंक। और उनके आतंकवादी गिरोह पे गिरफ्तार कर लिया है। कैप्टन करण इन कमांड सर, आउट एंड रोजर। सर वी हैव फाउंड आउट द टेररिस्ट हाइड आउट सर, जहां उन्होंने बच्चों को छुपा के रखा है सर। बच्चों को उठाएगा? You bastard! देख, उनकी आंखों में छिपे हुए खौफ को देख, यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता हूं। मारो मारो
गोली मत चलाना, गोली मत जो कुमारीगा। करण कंट्रोल योरसेल्फ, करण कंट्रोल। ही इज डेड। आई नो ही इज डेड।